नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी का आपका एग्ज़ाम जो जुलाई अगस्त के आसपास एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस वीडियो में मैं आपको यहां बताने वाला हूं कि आपका अगर जुलाई अगस्त में पेपर होगा तो प्रीवियस जो 2018 में हुआ था उसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो कब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, मतलब एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, पीटी कब होगा, डीवी कब आए, आपके इसके बाद पीटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, तो सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और आप फाइनली आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कब तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि मैं आने वाले टाइम में जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज रेलवे से रिलेटेड होगी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पर। दोस्तों ये मैं लाया हूँ प्रीवियस 2018 जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था, तो कब कब क्या चीज़ें हुई हैं उसके बेस पे ही मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप मेरे को ब्लेम मत करिएगा, उसका मैं एक रीज़न बता रहा हूँ कि जो रेलवे का प्रोसेस चल रहा है कुछ नहीं कह सकते, क्या पता बीच में वो कुछ भी करे, लेकिन जो प्रीवियस ईयर है उससे एक्सपेक्टेड बताए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने बताया वो 100% यही डेट हो, कुछ डेट आगे पीछे हो सकती है। तो पहला हम देखते हैं कि फॉर्म जो आया था आपका फरवरी मार्च में आया था, 2018 की बात कर रहा हूँ। एग्जाम आपका चला था 17 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, मतलब 4 महीना के करीबन आपका एग्जाम चला था। दूसरा आपका दिसंबर 15 दिसंबर तक एग्जाम था और जनवरी में आपका आंसर किया गया था, 2018 की बात कर रहा हूँ। रिजल्ट आपका मार्च में आ गया था, मतलब नेक्स्ट महीना आ गया था। पीटी आपका आप देख सकते हैं रिजल्ट आने के एक महीना बाद पीटी हो गया था। फाइनल कट ऑफ जो है आपका 15 अप्रैल आया था, मतलब पीटी होने के 15 दिन बाद फाइनल कट ऑफ आ गई थी। और डीवी और मेडिकल के लिए आपको जस्ट एक महीना बाद या आप समझ लीजिए 20-25 दिन बाद आपको बुला लिया गया। इसके बाद पैनल जो है पैनल हुआ जून में, ठीक है, एक महीना बाद, और ज्वाइनिंग आपका जुलाई अगस्त में हो गया। ये 2018 में हुआ था। अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि जो 2022 में आपका जुलाई अगस्त में होने वाला है तो कब आपका फाइनल चीज़ें, फाइनल आपको सिलेक्शन और फाइनल आप जो है ज्वाइनिंग कब आपका होता है। तो अगर हम इसके बेस पे ही देखें, मान लीजिए कि आपका जुलाई और अगस्त में पेपर होता है, ठीक है, तो आपका आंसर की कब आ जाएगा, तो जब आपका जुलाई अगस्त में पेपर होगा तो ये मान के चलिए कि 4 महीना आपका, मैं मान के चलता हूँ 3 से 4 महीना आपका मान लीजिए एग्जाम चलता है, मिनिमम आप ये मान के चलिए 3 महीना के अंदर अंदर हो जाएगा। तो लमसम हम ये मान के सकते हैं अगर जुलाई में हुआ, 15 जुलाई को हुआ, या लगभग अगस्त फर्स्ट वीक में हुआ, तो हम ये मान के सकते हैं अक्टूबर में आपका पेपर समाप्त हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि आपका जो फाइनल है अक्टूबर में पेपर समाप्त हो जाता है, तो आपका आंसर की कब आ जाएगा, आपका नवंबर में आंसर की आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट कब आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका पीटी होगा उसको हम ये मान के चले कि जनवरी में आपका पीटी होगा, ठीक है। और फाइनल कट ऑफ कब होगा, तो ये आपका फाइनल आप फरवरी में जो है फाइनल कट ऑफ आ जाएगी। और इसका जो मेडिकल जो है आपका कब हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। और पैनल आपको मान लीजिए अप्रैल में बुलाते हैं, तो आपका जो ज्वाइनिंग है, ठीक है, आपका जो ज्वाइनिंग है वो मई जून में हो जाएगा, मई जून में आपका ज्वाइनिंग हो सकता है अकॉर्डिंग टू, अगर आपका 15 जुलाई से पेपर होता है या अगस्त के आसपास पेपर होता है तो आपका जो है मई जून में आपका ज्वाइनिंग हो सकता है। बस इस प्रोसीजर से चलता रहे, थोड़ा बहुत महीना आगे पीछे होता रहेगा तो मई जून जुलाई भी जा सकता है, लेकिन आपका अगर इस प्रोसीजर से पेपर होगा तो आपका ये मान के चलिए मई जून में आपका पेपर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपका पेपर श्योर है कि अगस्त में होने वाला है और इतनी स्पीड से होगा, चुनाव भी 2024 चुनाव भी आ रहा है, उसके पहले पहले ये वैकेंसियाँ उनको समाप्त करना है और कुछ नई वैकेंसी लाने की सोचेंगे रेलवे में, ठीक है, कुछ अलग विभाग में है जो वैकेंसी आ सकती हैं, तो ये पुरानी वैकेंसी को पहले वो डिस्क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों ये प्रोसेस। तो चैनल पे नया चैनल को जब सब्सक्राइब कर ले। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी में नया फीचर लेकर आया है, आप कहीं भी कोई कोचिंग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको बहुत सारे क्वेश्चन में डाउट होता है,
तो एक बहुत बढ़िया फीचर लेकर आया है। आपको क्या है कि अपने डाउट क्लियर करना है, कुछ नहीं करना। मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, उसमें कोई डाउट आ रहा है, तो उस बुक से आप क्या है इमेज निकालना है और यहाँ चिपका देना है, ठीक है। जब आप यहाँ चिपकाओगे, आप लैंग्वेज में भी कोई दिक्कत नहीं, हिंदी मीडियम में हिंदी सेलेक्ट कर लो, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश, और आपका वीडियो बनाकर आ जाएगा। मतलब उस क्वेश्चन का तुरंत वीडियो बनकर आ जाएगा। लगातार आप तीन आप एक टाइम में आप तीन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये है दोस्तों। यहाँ आपको क्या है अपलोड का मांगेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आपको क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। अपना अपलोड करेंगे, जब आप अपलोड करेंगे तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ अपलोड इमेज है। जब आप इमेज को अपलोड करेंगे तो ये आपने जैसे मान लीजिए मैथ में आपको कोई क्वेश्चन का डाउट है, तो आपने इस मैथ के क्वेश्चन का डाउट का यहाँ आप चिपका दिया। अब आपसे पूछेगा कौन सा माध्यम है, लैंग्वेज क्या है, तो आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद जब ये करने के बाद आपको क्या हो गया कि ये देखिए वीडियो आ गया, आपके पास वीडियो आ गया, सोल्यूशन का वीडियो आ गया। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है। इसमें करने के लिए प्रोसीजर क्या है, कैसे आप अपने डाउट पूछोगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को जब आप क्लिक करोगे तो आपको कोड यूज करना पड़ेगा। कोड आप क्या यूज करोगे, AS2022 यूज करोगे। उस कोड को यूज करने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, फ्री में है, कोई इसमें चार्जेस नहीं है। आपको बस इतना करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को क्लिक करना है और अपने सारे डाउट आप अपने पूछ सकते हैं। जो आपके रेलवे हैं, SSC है, बैंकिंग है, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर चैनल पे लाए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कर ले, और आने वाले टाइम में जो भी रेलवे से रिलेटेड हो वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।